हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं चाय पीकर आया हूँ, दोस्तों से मिलकर आया हूँ, मम्मी को बता कर आया हूँ, कोचिंग से पढ़ा कर आया हूँ या कोचिंग से पढ़ कर आया हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए हम लोग जानते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे हैज या हैव, गॉट इट। और उसके बाद लगाएंगे कम, कम को लगाने के बाद कोई ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद लगाएंगे हम लोग आफ्टर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में अदर वर्ड्स। अब इस स्ट्रक्चर को और भी बेटर तरीके समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, मैं चाय पीकर आया हूँ। इसके लिए बोलेंगे I have come after taking tea. I have come after taking tea. Next sentence, दोस्तों से मिलकर आया हूँ मैं। इसके लिए आप कहिएगा I have come after meeting friends. I have come after meeting friends. Next sentence, मम्मी को बताकर आया है वो। इसके लिए बोलेंगे He has come after informing mom. He has come After informing mom या telling mom भी कर सकते हैं। Next sentence, वो कोचिंग से पढ़कर आया है। इसके लिए आप कहिएगा He has come after reading from coaching. He has come after reading from coaching. Next sentence, हम लोग उसे पीट कर आए हैं। इसके लिए बोलेंगे We have come after beating him. We have come after beating him. हे गाइस, इसे जुड़े मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन पर हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।